हमारे नए गली न्यूज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस अपनी वीडियो के जरिए आदरणीय शरद पवार साहब, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे साहब, हमारे मुंबई के कारपोरेशन के कमिश्नर श्री इकबाल चहल साहब, इन सबसे मैं बड़े विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि 19 जुलाई को बकरीद है और बकरीद हमारे लिए बहुत अहम त्यौहार है। इसमें किसान गांव का रहने वाला, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र के इंटीरियर और न जाने कहाँ कहाँ से बेचारे किसान बकरे पालते हैं कि बकरीद में बकरी बिकेंगे तो हम अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं, अपने बेटे का स्कूल की फीस भरेंगे, बाप का इलाज करेंगे, बहुत सारी ज़रूरियात। और आप जानते हैं कि पिछले मार्च से जो मुल्क की हालत, इकोनॉमिक हालत है, बहुत ही ख़राब है। पिछले साल करोड़ों रुपए के बकरे मर गए, अंदर नहीं आने पाए। अभी टाइम है, एक मीटिंग बुलाई जाए और एक रास्ता निकाला जाए। देखिए, हमने देखा कि इलेक्शन की रैलियाँ बड़ी बड़ी हुई, कौन कर रहा था? प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, सारे दिल्ली के मिनिस्टर्स, कुंभ मेला, सारे प्रिकॉशन के बाद भी कुंभ मेला पूरी ताकत के साथ हुआ। मैंने देखा कि गुजरात के अंदर एक मंदिर में औरतें जो है ये खत्म करने की, ये COVID-19, ये कोरोना खत्म हो जाए उसके लिए हजारों हजारों की भीड़, कोई भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। हम सारे प्रिकॉशन को ध्यान में रखते हुए प्रधान, हम चाहते हैं हमारी सरकार से कि एक ऐसा रास्ता निकाला जाए कि सबकी कुर्बानी अच्छी तरह से हो जाए। वैसे भी लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं, इतने बकरे नहीं बिके जितने पहले बिकते थे, लेकिन आप उसको कुछ बंदोबस्त कीजिए। शहर में अलग अलग जगहों पर बकरे आ जाएं, बाजार लग जाए, लोग थोड़े थोड़े लोग अंदर जाएं, यानी इसके लिए बैठ के हम मीटिंग कर सकते हैं और सरकार चाहे तो ये हो सकता है। पिछले साल की तरह से अब की बार ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी ना होने पाए। हम देखते हैं बार बार बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर सारी तकलीफ हमें को आती है। तो मुझे लगता है ये सरकार सेकुलर है और ये सरकार जरूर इसका ध्यान देगी और जल्द ज़रूर आपकी बकरीद में बकरों की कुर्बानी के लिए सरकार पूरी कुर्बानी जो है बकरों की, बड़ों की, सरकार कोई अच्छा बंदोबस्त करेगी। मैं अबू